फ्रेंड्स, मेरे पास यह है रेडमी नोट 3 स्पेशल एडिशन, जिसमें लोगों को एमआई अकाउंट रिमूव करने में दिक्कत आती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसका एमआई अकाउंट आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। पहले तो आप इसका बैक कवर निकाल लीजिए सिम ट्रे को बाहर करके, और इस तरह से ये दिखाई देगा जब आप इसकी सिम ट्रे को बाहर निकालेंगे और फिर उसके बाद इसके बैक कवर को बाहर निकालेंगे, तो ये स्टेप से दिखाई देगा। तो पहले आप क्या कीजिए, इसका ये जो पावर कनेक्टर है एंटीने के पास लगा हुआ है, इसका बैटरी का पावर कनेक्टर, इसको निकाल लीजिए। और इसको 9008 की कनेक्टिविटी देने के लिए मैंने कोई टेस्ट पॉइंट शॉर्ट आउट नहीं करा है, और ये नॉर्मल EDL केबल से कनेक्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने सेल्फ मेड EDL केबल से इसे कनेक्ट करा है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये बटन है छोटा सा, ये मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए 9008 की कनेक्टिविटी यानी EDL मोड पर कनेक्ट करने के लिए ये केबल बनाई है। तो इसे 10 सेकंड प्रेस करके मैंने पावर कनेक्टर को निकाल के इसे 10 सेकंड प्रेस करके इसे EDL मोड पे पहुंचाया है। मैं भी बहुत कंफ्यूज था पहले कि इसका टेस्ट पॉइंट है क्या आखिरकार। तो इसका मुझे सोल्यूशन जो मिला वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सोल्यूशन ये है, आप इसका पावर कनेक्टर निकालिए और EDL केबल से को 10 सेकंड तक प्रेस करके आप इसको EDL मोड पर पहुँचा सकते हैं। कन्फ्यूज़ ना होइए, आप बहुत ईजी मेथड है जो मैंने खुद सोल्यूशन निकाला है इसका MI अकाउंट रिमूव के लिए या फ्लैशी के लिए। इसको 9008 EDL मोड की कनेक्टिविटी आप आसानी से दे सकते हैं ऐसा करके मेरे इस सोल्यूशन से। तो अब हम इसको करते हैं। मेरे पास ये है मोबाइल CR टूल 2.1, जिसका लिंक मैंने अपने ओल्ड YouTube वीडियोस में दिया है मोबाइल CR सर्विस टूल का। मेरा आप देखिए पुराना YouTube पे वीडियो, उस पर आपको ये लिंक मिल जाएगा और टूल भी मिल जाएगा। तो हम इसके Xiaomi के उसमें जाते हैं, Xiaomi या Xiaomi जो भी आप कह सकते हैं इसे, के टैब में जाओ और ऑटो रिमूव अकाउंट में जाओ और रिमूव नाउ करो। ठीक है, सर्चिंग कंप्यूटर फाउंड हो गया है, प्रिपेयरिंग डाटा रिमूविंग अकाउंट, और ये देखिए हमारा MI अकाउंट रिमूव हो चुका है सक्सेसफुली। रेडमी नोट 3 स्पेशल एडिशन जो ये है, सेल्फ डिक्लेरेशन इज़ द 1352 Part 1 2010 R6300060। रेडमी का स्पेशल नोट 3 एडिशन है, जिसकी आप आसानी से आप इसको इस तरह से आप इसका MI अकाउंट बाईपास कर सकते हैं मोबाइल CR टूल के जरिए, जो कि मेरे YouTube मोबाइल CR के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल CR सर्विस टूल के वीडियो में आपको आसानी से मिल जाएगा डायरेक्ट लिंक से। ठीक है, तो ओके, थैंक्स माय वीडियो वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए मेरा चैनल मोर हेल्पिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, द सोनी सॉफ्ट टेक।